नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उड़ीसा की कुछ खास खबरों की। कटक में एयरफोर्स कटक शाखा ने किया जल छत्र का आयोजन। खबर उड़ीसा की कटक में अवकाश प्राप्त वायुसेना के संगठन द्वारा 2 दिवसीय जल छत्र का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लस्सी एवं छाछ का वितरण पथिक एवं उपस्थित लोगों के बीच किया गया। वायुसेना संघ के अध्यक्ष फ्लाइंग ऑफिसर हर्षिकेश स्वाई ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत में बताया कि यह कार्यक्रम दिनों दिन बढ़ते तापमान को देखते हुए आरंभ किया गया है और यह कार्यक्रम आगामी 30 जून तक प्रति शनिवार एवं रविवार को कटक के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपाध्यक्ष सिमंत दास, कोषाध्यक्ष श्रीकांत सामंत, सलाहकार जगदीश चंद्र शामल, सदस्य परेश मंगराज, पवित्र मोहन साहू, विजय साहू, एस के स्वाई, गति कृष्णा विश्वाल, अनिल आचार्य, चंद्रशेखर पंडा आदि लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उड़ीसा हेड सुधाकर कुमार शाही की रिपोर्ट। आज का जो जल छत्र सेवा नियोजित किया गया है, मैं ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर हर्षिकेश स्वाई प्रेसिडेंट एयरफोर्स एसोसिएशन कटक तरफ रो समस्त सदस्य को नमस्कार करुची एवं धन्यवाद देउची। आज आमे सकाळ 9 घटिकारु कार्यक्रम आरंभ करिचु एवं या आमर अपराह्न 4 घटिका पर्यंत चलेगा। ये प्रोग्राम जो है सुबह से 9 बजे से शुरू हुआ है और शाम को 4 बजे तक चलेगा। और केवल यह कटक शहर में नहीं, कटक शहर का भरी बहुत जगह और कटक शहर का बाहर में भी ये हम ऑलरेडी नियोजित किए हैं। इसीलिए हम सारे रिटायर्ड एयरफोर्स एसोसिएशन कटक डिस्ट्रिक्ट का सारे मेंबर को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। केवल सर्विस करने का टाइम में जो अपनों को पीछे रखकर देश को आगे रखकर सेवा किए थे, आज समस्त का सबका अंदर में वही कर्तव्य, वही निष्ठा दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं अंतर भरा सबको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जल छत्र में हमारा दही, पानी, लेम्बू और अदरक, पुदीना और मिर्ची और काला नमक और चीनी मिश्री सबका जल सबको ये जो इस साल जो बहुत गर्मी हो रहा है, इसीलिए हम एयरफोर्स एसोसिएशन कटक तरफ से जो सारे पब्लिक का सेवा करने के लिए ये जल छत्र आयोजन किए हैं। केवल कटक शहर के नहीं है, कटक शहर बाहर में भी हम ये आयोजन किए हैं। ये हमारा कार्यक्रम मैं भारतीय वायुसेना अवसरप्राप्त कर्मचारी हूँ। आज हमारा सभापति खुशी के स्वाई के नेतृत्व में आज हमने एक जल छत्र आयोजन किए हैं और ये बड़ा प्रयास है। इतना जो बड़ा गर्मी हो रहा है और गर्मी में दूसरे को कैसे राहत मिलेगा, ये सबसे बड़ा काम है। और आज सुबह से 9 बजे शुरू होकर शाम को 4 बजे तक चलता रहेगा और ये इधर नहीं, कटक का दूसरा जगह में भी चलता रहेगा। अभी अप टू जून 15 और जून 30 तक, जब तक मौसम आएगा तब तक हम करते रहेंगे। एवरी सैटरडे संडे ये होगा। और मैं सबसे बड़ी बात है जो ये बड़ा जो हमारा अवसरप्राप्त वायुसेना का जो संघ है, सबसे बड़ा काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। ये एक पब्लिक का सेवा है, सेवा मनोभाव है। जो हम डिफेंस में काम करके आए हैं वही मनोभाव रख के आगे ये काम करते रहेंगे। धन्यवाद। ये तो नहीं, अभी कटक से हम शुरू किए हैं, शायद तो ये मैसेज दूसरे को जाएगा तो वो भी शुरू करेंगे। अभी जगतपुर, चौद्वार, सालेपुर अभी करेंगे। जगतपुर, चौद्वार, सालेपुर, भुवनेश्वर में यही कार्यक्रम भी मैं जून महीना तक ही कार्यक्रम चलता रहेगा।